नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रैफिक साइन एंड सिंबल के बारे में, यानी कि यातायात के नियम व सांकेतिक चिन्ह। दोस्तों आप इस सड़क पर चलते हुए कई तरह के सिंबल यानी कि चिन्ह को देखते होंगे और वह चिन्ह यातायात के होते हैं। हो सकता है इनमें से कई सारे सिंबल, कई सारे चिन्ह के बारे में आप जानते हो, लेकिन इनमें ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। लेकिन दोस्तों इन सभी सांकेतिक चिन्हों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कई बार हो सकता है कि एक यातायात का चिन्ह यदि हम ना पहचान पाए तो इसकी वजह से हमें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में कि यह कैसे काम करता है और क्या होते हैं और आखिर इन सिंबल्स के मतलब क्या क्या होते हैं। दोस्तों नंबर एक पे है रेड लाइट सिग्नल। चौराहे के बीच में पोल पर सबसे ऊपर की ओर रेड लाइट दिखाई दे तो स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक ले। इस लाइन को जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। इस पर अपना वाहन न खड़ा करें क्योंकि इससे आपका चालान भी कट सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा है ग्रीन लाइट सिग्नल। अगर पोल पर आपको ग्रीन लाइट सिग्नल जलती हुई दिखाई दे तो समझिए कि अब आपको चलना है, या मतलब अब आप वाहन आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप आगे जा रहे हो तब पैदल यात्री और दूसरी साइड से आने वाले वाहन सर्किल पर ना हो। तीसरे नंबर पे है येलो लाइट सिग्नल। दोस्तों पोल पर जब येलो लाइट जलती दिखाई दे तो समझ लीजिए अब बस रेड लाइट होने वाली है, स्टॉप लाइन से पहले वाहन रोक दे। अगला है ग्रीन एरो सिग्नल। दोस्तों ग्रीन लाइट में जो चिन्ह दिशा को दर्शाता है उनसे आप समझ सकते हैं कि आपको उसी दिशा में जाना है। गलत दिशा में जाने से आपके वाहन का चलान कट सकता है। फ्लैशिंग रेड सिग्नल। दोस्तों फ्लैशिंग रेड सिग्नल का मतलब है जब पोल पर पैदल यात्री और अन्य वाहन हो तो आपको वाहन रोकना होगा। सामने का रास्ता साफ होने के दौरान आप धीमी गति से अपना वाहन आगे ले जा सकते हैं। फ्लैशिंग येलो सिग्नल। दोस्तों फ्लैशिंग येलो लाइट का मतलब है कि अगर आपको पोल पर चमकती हुई येलो लाइट दिखाई दे तो आप धीमी गति से अपने वाहन को पोल के पार ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सिग्नल के बेसिक सिंबल्स। अब चलिए जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स के बारे में और इनके सिंबल्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है नो एंट्री का सिंबल। इसका मतलब यह है कि आप अपना वाहन दूसरे रास्ते से ले जाएं या इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा है वन वे सिंबल। इस चिन्ह से यह पता चलता है कि आप इस दिशा में जा सकते हैं लेकिन उस साइड से वाहन लेकर इधर नहीं आ सकते, यानी कि वापस नहीं आ सकते। नंबर तीसरे पे है व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। इस चिन्ह में बताया गया है कि इस क्षेत्र में वाहन ले जाने की अनुमति आपको नहीं है। चौथा है ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। दोस्तों इसका मतलब होता है इस क्षेत्र में आप कोई भी वाहन नहीं ले जा सकते हैं। पांचवा है ट्रक प्रोहिबिटेड का सिंबल। दोस्तों इस क्षेत्र में ट्रक चलाने की अनुमति नहीं होती है। अगला सिंबल है गिव वे का। दोस्तों इस चिन्ह में बताया गया है कि आपके सीधे हाथ की ओर जो वाहन है उसे आगे निकलने के लिए रास्ता दे। अब इसके बाद है हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। दोस्तों इस क्षेत्र में हाथ गाड़ी लाना सख्त मना होता है। जहाँ पर आपको ऐसे सिंबल दिखे वहाँ पे आप अपनी हाथ गाड़ी नहीं ले जा सकते। इसके बाद आता है साइकिल प्रोहिबिटेड। इस क्षेत्र में आपको साइकिल ले जाना और साइकिल चलाना दोनों मना होता है। अगला है पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। दोस्तों इस क्षेत्र में पैदल चलने या घूमने की अनुमति लोगों को नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है कंपल्सरी बस स्टॉप, कि इस जगह पर बस रुकना जरूरी माना जाता है। अगले नंबर पे आता है राइट टर्न प्रोहिबिटेड। सीधे हाथ की ओर वाहन ले जाना इसमें मना होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि उल्टे हाथ की ओर आप वाहन नहीं ले जा सकते। और इसके बाद आता है यू टर्न प्रोहिबिटेड। वाहन के साथ आप यू टर्न नहीं ले सकते, इसमें वाहन के साथ यू टर्न लेना सख्त मना होता है। बिल्कुल इसी प्रकार एक होता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। दोस्तों आने जाने वाले वाहन से ओवरटेक करना ऐसे रास्तों पर मना होता है, वहाँ पे आपको ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का सिंबल देखने को मिलेगा। और इसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर हॉर्न प्रोहिबिटेड लगा होता है, यानी कि इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना सख्त मना होता है। इसके कई सारे अपने वजह हो सकते हैं। फिर आता है नो पार्किंग। दोस्तों नो पार्किंग आपने अक्सर बहुत जगहों पे देखा होगा। इस सिंबल का मतलब होता है यहाँ पे गाड़ी पार्क करना मना है, यानी कि उस क्षेत्र में आप अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है स्पीड लिमिट। दोस्तों इस क्षेत्र में वाहन 50 kph की रफ्तार से ज्यादा नहीं चला सकते। फिर आता है स्टॉप का सिंबल। इस चिन्ह में बताया गया है कि आप अपने वाहन को यहाँ रोकना होगा जहाँ पे यह चिन्ह लगा होगा। ज्यादातर यह सिंबल टोल प्लाजा और चेक पॉइंट पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।